5 मार्च 2016 है। ये सामने पड़की नाम की एक चिड़िया बोल रही है, उसी की आवाज़ हम भी बनाएंगे। कोको 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 ये सामने है, वो अंदर बोल रही है। अंदर ये फूल, इस फूलों की झाड़ियों में अभी अपने घोंसले बनाने की व्यवस्था में लगी हैं। एक गीतांजलि हर्बल गार्डन, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का आप सीन देख रहे हैं। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। उस बछिया को 4 महीने से लगे हैं, 4 महीने हो गए, मवाद नहीं बंद हो रहा है। और एक प्यारेपुर के गौशाला वाले आए, वैसा इंजेक्शन लगा दिए कि लबे जान हो गई है। अभी रात भर आग जलाए बैठाए हैं, अब देखिए बचती है कि मरती है। क्यों तमाम इंजेक्शन लगा के ठोंक दिया, एलोपैथिक कमज़ोर जानवरों के लिए तो जहर है समझिए। खैर थोड़ा हमारा विषय बदल गया। उस हम पेड़की चिड़िया इसी फूलों की झुरमुट में अपना घोंसला बनाने जा रही है, तो आवाज़ कर रही है कोको 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 इसी फूलों की झुरमुट में अपना वो घोंसला बनाएगी। कोको 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 ऐसा कोको 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 ऋषि देखिए पत्तियाँ ये फूल हिल रहे हैं ना, सब झुरमुट जो है हिल रही है। ये तो उसको ये लग रहा है कि हमारी आवाज़ में अलग से कौन बोल रहा है। अब वो खामोश हो गई क्योंकि उसका जो जोड़ी था ना, वो कहीं तिनका लाने के लिए वो उड़ गई है। तो एक बता रहे हैं, पशु पक्षी वहीं सुखी होते हैं जहाँ उनको वैसा वातावरण मिलता है। अब यहाँ तमाम चिड़ियाँ आती हैं, घोंसला बनाती हैं, फूल पत्ती भंवरे मधुमक्खी, ये उनको वातावरण देना पड़ता है। अब ये जो 4 साल से हमारे यहाँ पड़ा है, 4 साल से ज़्यादा हो गए, ये जो कुत्ता है ये देखिए। अब जाओ भैया, आपको बाहर जाओ, चलो पढ़ो बाहर जाओ, चलो चलो देखिए जब ये चलेगा तो इसकी चाल से आप देख रहे हैं, ये देखिए वही लंगड़ा कुत्ता है। चलो बैठ जाओ वहाँ, अच्छा जाओ वहीं बैठ जाओ। ये सब देखिए, बछिया के लिए केला, ये रोटी, ये देखिए बछिया के लिए केला, जो बछिया के इलाज कर रहे हैं, इतनी दवाइयाँ, इतने इंजेक्शन, लबे जान है समझिए। वो इंजेक्शन आके लगा के आ गए कि अब हम क्या बताएं, इतना अफसोस होता है। कुछ लोग नीम हकीम खतरे जान, जब नहीं जानकारी है तो काहे इंजेक्शन ठोंके दे रहे हो। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये आप सीन देख रहे हैं गीतांजलि गार्डन का, और पेड़ पौधा फूल पत्ती इन्हीं के सेवा में पूरी जिंदगी लगा दिया लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन लोग नहीं बस सुनेंगे समझेंगे, अब बस चंदा देंगे भंडारे में। हमें चंदा मत दो, हमें आदमी चंदा लगा के एक आदमी तो दो, ताकि इस बुढ़ापे में जो हमने जीवन लगा दिया पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेवा में, बुढ़ापे में तो हमको चैन तो मिले। मेरी 77 साल की उम्र है, ऐसा देख रहे हैं अनार। यहाँ के एकदम प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए पशु पक्षियों के लिए, प्राकृतिक उनको वातावरण मिलने से वो बड़े सुख का अनुभव करते हैं सर। ये सब गीतांजलि गार्डन रायबरेली का आप सीन देख रहे हैं। ये सब बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं, देखिए कागजी नींबू, इतना बड़ा आपने नहीं देखा होगा।
वो कागजी नींबू है। कितना बड़ा नींबू लगा हुआ है, देखिए इतना बड़ा नींबू कागजी आपने नहीं देखा होगा, जबकि कागजी नींबू है। इसकी सुगंध, इसका फ्लेवर एकदम कागजी के जैसा है। और है नींबू ये जो हम लोग बाज़ार में आम तौर से लाते हैं खरीद करके। ये सारा माहौल हमने आपको दिखा दिया, यहाँ सब खुदाई करा रहे हैं, जो हमारे यहाँ सब जानवर गड़े थे तो खुदाई हो रही है। आने वाले समय में ये सब, ये गधा वार्ड जो लिखा हुआ है ना, ये सब टूट टाट जाएगा। अब पूरा जीवन हमने जो है यही गाय गधे कुत्ते और सुअर की सेवा में लगा दिया। बुढ़ापा आ गया, अब ये सब इतनी कीमती भूभाग है, ये सब बेटियों को मैंने दे दिया है, गीता और अंजलि को। तो यहाँ वो मार्केट बिल्डिंग बनवाएंगी ताकि उनकी भी कुछ आमदनी हो, रोजी रोटी बढ़े। अभी हम तो यहाँ से वहाँ थे कि बंदर और कुत्ता और सुअर गाड़ करके यहाँ ये पूरा जीवन लगा, एक माहौल दिया। अब इसी को एक हम गांव में जहाँ हमको ज़मीन दी गई है, वहाँ जमीन बाग एक दीक्षित हैं घाटा रुस्तमपुर के पास में, तो बहुत सारे पेड़ वहीं लगवा देंगे, वहीं हम बंदरों की समाधि बनाएंगे। और जो जानवर होते हैं इलाज तो यहीं रह के करना पड़ेगा जब तक हाथ पैर में दम है। हम कर रहे हैं, हमारी बेटियां कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। लावारिस दो दो कुत्तों को घर में, उन्होंने कमर टूट गई है, उनका इलाज कर रही हैं। 2 साल हो गए इलाज का, वो ठीक हो गए हैं, लेकिन वो कमर तो उसकी नहीं ठीक होगी, तो उसको खाना पानी देना, वो बाहर निकाल देंगी तो बाहरी कुत्ते उसको मार देंगे। तो बहुत बहुत कठिन तपस्या है ये सेवा करना, जो है वो बच्चों का काम, बच्चों का खेल नहीं है कि आप भगवान के भक्त बन जाएं और आप सेवा का काम करें। तो वाणी को हम विराम देते हैं, शायद देखिए बच्चिया को हम लगे तो हैं वो होम्योपैथिक दवा और पानी दे दे करके, ये शायद जान बच जाए, वरना वो प्यारे पूर्व चंदपुर के पास वाले ठाकुर साहब इतनी ओवरडोज इसको लगा दिया अपने मन से, कोई डॉक्टर तो है नहीं। लवे जान बचिया, अरे पैर में उसके जख्म रहा, मवाद नहीं बंद हो रहा था, तो केवल पैर का इलाज करते, अब कीड़े मारने के लिए कोई सब पूरे शरीर के सब कीड़े मार दिए जाए, तो सब आग सुलगाते हैं, पूरे मोहल्ले के कूड़ा करकट बटोर के मेहतर जो जलाने जा रहा था, हमने कहा भैया यहीं डाल दो, थोड़ा यहाँ मच्छर है, धुआँ है, ये करते हैं मच्छर नहीं आएंगे, राहत मिलेगी। रात में कुछ तो ठंड हुई हो ही रही है, अभी लबे जान है, उसको तकलीफ क्या है कि देखिए इसको अंदर चेहरे में करेंगे, मक्खी इसको नोच रही है, ये परेशान है। ये देखिए वो इंजेक्शन के बाद ये झूम रही है, ये झूमने की बीमारी उठा के, जैसे भयंकर नशा में है। अब ये कंडीशन रहेगी तो कैसे अब ये बचेंगी? अभी तो कप रखा हुआ है, मैंने पानी इनको सिरिंज से ले लेके पानी डाल रहे हैं कि शायद कुछ पानी जाए, शहर के शरीर के अंदर का कुछ जहर कम हो। सब लोग ये इतनी इतनी दवाई, इतनी दवाई, सब एंटीबायोटिक का क्या क्या, और इंजेक्शन दो, एक इधर लगाया कि वहाँ, उसी के बाद से हालत इसकी इतनी बिगड़ गई कि देखिए इसकी कंडीशन नहीं बता रही कि ये बच पाएगी। होम्योपैथिक दवाई दिए हैं तो उसका पेट पचका है। कन्हैया लाल एक सिंधी हैं, वह बेचारे लिखे, उससे इसको बड़ी राहत, मरना पेट इतना फूला था कि लगता था कि मर जाएगी, लेकिन ये झूमने वाली बीमारी जो है, ये देखिए बैठे बैठे झूम रही, एक तो मक्खी भी इसको कुछ लग रही, तो अभी अंदर करने इसको कर देंगे उठा करके। तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं। 5 मार्च 2016 की घटना आप सब देख रहे हैं, रायबरेली, और यहीं पर हमने चिड़िया से शुरू किया था, अभी चिड़िया उसी में अपना घोंसला बना रही है, देखिए वो पत्तियाँ फूल हिल रहे हैं सब। कुछ करके दिखाओ, लोग करते नहीं है, बस केवल फोटो खींच लिया, दिखा दिया, मैंने यहाँ किया ये किया, अरे भाई कुछ घर पर रख के करो, महीनों महीनों झेलो, किसी जानवर की जान तो बचाओ। केवल पट्टी लगवाने से उसके वो आखिर में वो जानवर बचता है कि मरता है ये भी तो देखो। अब जैसे इसमें लगे हैं, आज हमको 4 महीने हो गए पूरे, कुक 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 कुक
ये उड़ी देखिए वो गई है, हम इसके करीब आ गए ना, ये सोच रही कौन आदमी है ये इसी को पिड़की बोलते हैं, पिड़की चिड़िया, ये देखिए यही है पिड़की। स्वामी जी इनको हम स्वामी जी कहते हैं, खोपड़ी घोटा एकदम जैसे बिलमुंडी जैसी, इसको यहाँ देहाती भाषा में ये देखिए उड़ गई, ये वहाँ बैठ गई, तार पड़ जाती, इसको देहाती भाषा में बोलते हैं पिड़की, फिर उड़ने वाली। चूँकि बहुत करीब आ गए ना, ज़्यादा चिल्ला दिया, इसी झुरमुट में फूलों की झुंड में ये अपने यहीं पर घोंसले बनाएगी, यहीं पर ये बोल रही है, शायद घोंसला बनना थोड़ा शुरू भी हो चुका है। हम वाणी को विराम दे रहे हैं 5 मार्च 2016। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।